हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आज बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे वो ये तीन कलर की हमने ऊन ली चार कलर की ऊन ली है इसी से आज हम बनाएंगे डोरमेट बहुत ही प्यारा सा तो जो और ये ग्यारह नंबर की हमने सिलाई ली है देखिए ग्यारह नंबर की सिलाई अब इसी से हम डोरमेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम ये फंदे डाल लेंगे इस तरीके से देखिए हमने फंदे डाल लिए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस कभी भी फंदे डालें तो एक इक्कीस है ऐसे उन्नीस है इक्कीस है इस तरह से आप फंदे डालिए तो इस तरह से हमने जैसे दस डालिए इक्कीस डालिए इस तरीके से हमने इसमें इक्कीस फंदे डाले हैं तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी दो रो बना लेंगे एक तो हमने ये बनाई हुई है और एक ये बना ली है एक ये भी काउंट होगी और एक ये वाली ये दो काउंट हो जाएंगी दो हमने बना ली इसके आगे से देखिए अब कैसे बनाएंगे यहाँ पे हमने एक फंदा उतार लिया और ये देखिए इस तरीके से आगे किया और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और एक है अठारह तारा एक ये वाला फंदा हम छोड़ देंगे यहीं से पलट लेंगे आप देखिए क्या करना है अब यहाँ से हम इस फंदे को उतारेंगे नेक्स्ट फंदे से नेक्स्ट फंदे फंदे से अब हम ये ब्लू कलर लगाएंगे एक इस आगे को आगे की साइड करेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ आप देखिए आठ फंदे हमने इस कलर से बुन लिए अब यहाँ से देखिएगा एक इस तरीके से बुनेंगे इस धागे को आगे कर लेंगे जिससे हमारा बीच में स्पेस ना हो तो तीन चार पाँच सात और एक आठ आठ फंदे हमारे हो गए अब यहीं से पलट लेंगे अब देखिए यहां से हमने पलट लिया अब ये इस फंदे को जो जैसा है वैसे ही बुनना है इस तरीके से हमें इन फंदों को बुन लेना है आप देखिए इसे इस तरीके से पीछे करेंगे उंगली से दबा के इसे आगे करेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इसे बनाएंगे अब जैसे आपकी ये गांठ पड़ जाती है तो इसे देखिए इस तरीके से पीछे करेंगे देखिए यहाँ पे और पीछे आगे की साइड धागा लाएंगे इस तरीके से बनाएंगे और हमारी गांठ पीछे चली जाएगी इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए डोरमेट तो काफ़ी सुंदर बन के रेडी होगा तो ये देखिए इस तरीके से हमने इतना बनाया आप देखिए क्या करना है अब यहाँ से पलट लेंगे इस धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से बुनाई करेंगे इस तरीके से ध्यान से देखिएगा कितने फंदे बुनने हैं कितने कम ज्यादा करने हैं अब इसे आगे की साइड करेंगे ऑरेंज को ऑरेंज से ही बुनेंगे देखिए अब यहाँ से ऑरेंज छोड़ देंगे पलट लेंगे इसे धागे को इस तरीके से आप चाहे तो बुने चाहे तो उतार ले मैं आपको बुन के दिखा रही हूँ अब देखिए ये हमने इस तरीके से आगे किया और यहीं से पलट लेंगे देखिए ये वाला एक छोड़ देंगे पलट देंगे अब इस धागे को उतार के नेक्स्ट से नेक्स्ट धागे से हम लगाएंगे ये ग्रीन कलर इस तरीके से हमने डबल किया हुआ है तो हम इस तरीके से लगा लेंगे यहाँ से अब देखिए इस धागे को आगे की साइड ले जाएंगे क्योंकि अभी ऊपर साइड में काम लगेगा तो इसको साथ में ध्यान देते हुए आगे की साइड बढ़ाते रहेंगे ये देखिए अब इस तरीके से हमने लगा लिया अब यहाँ पे हम लगाएंगे व्हाइट कलर ये देखिए अब यहीं से पलट लेंगे से आगे की साइड करेंगे और ग्रीन धागे को पीछे की साइड लाएंगे देखिए ध्यान से देखिएगा इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं समझ में नहीं आता है ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अब देखिए यहाँ पे अब इस धागे को उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदे से हम बुनना स्टार्ट करेंगे अब यहां पे हम इसे आगे की साइड लेंगे व्हाइट को व्हाइट से बुनेंगे अब एक धागा व्हाइट का छोड़ेंगे पलट लेंगे देखिए यहां से हम फिर से ग्रीन को ग्रीन से बुनेंगे अब यहां हम लगाएंगे ऑरेंज कलर और व्हाइट की जगह लगाएंगे ब्लू कलर इस तरीके से और यहां पे एक बंदा छोड़ देंगे पलट लेंगे आप देखिए यहां पे हम इस ऑरेंज कलर को लेंगे और इस तरीके से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस और एक ग्यारह ग्यारह फंदे हम इस तरीके से बुनेंगे ये देखिए और यहां से पलट लेंगे देखिए इस तरीके से हम इन फंदों को बुन लेंगे और इसे सीधी साइड लेंगे और पलट लेंगे अब देखिए यहाँ पे फिर से हम इस धागे को उतारेंगे साइड में और इन सभी फंदों को इस तरीके से बुन लेंगे सभी फंदों को बुनना है ध्यान रखें आप देखिए यहाँ तक कि हमने इतने फंदे बुन लिए अब यहाँ से एक छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे अब यहाँ से हम लगाएंगे ग्रीन कलर एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ और एक दस अब यहाँ से पूरी रॉक को बनाएंगे ये देखिए इसी तरीके से हम ऊपर की साइड को एक एक करके सभी पंदे घटाएंगे।